कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है? क्या हो गया लोग? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो। जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ, मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद। दोस्तों आज हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर एक घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज़ कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। और ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज़ में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए, अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो कीजिए। ये वक्त बहुत नाजुक है दोस्तों, अगर ये वक्त हमारे हाथों से निकल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। सो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं, हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माय लव टू यू ऑल, बाय बाय। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि
अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना. तो थैंक यू वेरी वेरी मच. अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ. ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह. तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है. ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर.